हनुमान जी सदगुरु हैं, हनुमान जी वैद्य भी हैं, आहा, हनुमान जी वैद्य कैसे हैं? वैद्य का काम क्या है? लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरसी उर लाए। हनुमान जी वैद्य हैं। अच्छा, वैद्य का दूसरा लक्षण, हनुमान जी बूटी के बारे में जानते, हनुमान जी भगवान भी हैं। अच्छा, भगवान कैसे? गांव में राम जी का मंदिर होवे या ना होवे, पर कलयुग में हनुमान जी का मंदिर आपको जरूर मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, हनुमान जी प्रकट भी बहुत सरल हो जाते, का पत्थरी में प्रकट हो जाए, है? कहीं भी हनुमान जी प्रकट, पत्थर में प्रकट हो जाए हनुमान जी। अरे पत्थर की छोड़ो, पेड़ों में कोई खूंट निकल आए और कोई जाके सिंदूर पोत दे, जय बजरंगबली, हनुमान जी प्रकट हो गए। लो, हनुमान जी पेड़ों में भी प्रकट हो जाए, हनुमान जी पत्थरों में भी प्रकट हो जाए, कोई मूर्ति उर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, सिंदूर पोता और जय 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 बजरंगबली। तो कलयुग में राम जी के जितने मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। और ये हम कथा तुम्हें सुना क्यों रहे मेरे पागलो? हम भक्त ना बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राम जी के परम भक्त हनुमान जी के चरण और इनके आचरण पकड़ लें तो राम जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। दूसरी बात, महाराज जी बातें तो बहुत अच्छी हैं पर चित्त में भाती नहीं है, कुछ देर सुनने तक तो अच्छा लगता, बाद में ध्यान नहीं रहता। सुनो भैया, सांप के फन में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, उसी प्रकार सनातन विरोधी के रोम रोम में जहर होता है। जिस प्रकार सांप के फन में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू की पूंछ में, उसी प्रकार सनातन विरोधी के रोम रोम में जहर होता है, ऐसे सनातन विरोधियों का तुम संग छोड़ोगे तभी तुम्हारे जीवन में राम रंग चढ़ेगा। अच्छा महाराज, इस सनातन विरोधियों का संग कैसे छूटेगा? हाथी चले बाजार, मौके हजार। हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, इन पे ध्यान नहीं देना, तुम तो बढ़ते चलो, धीरे तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, बढ़ते चलो। हमने, आप तो बैठे हैं, हमने एक बार कुत्तों से पूछा कि तुम भाई हाथी को देखकर यार भौंकने क्यों लगते? कुत्तों से बात हुई, हमने कहा भाई तुम हाथी को देखकर भौंकने क्यों लगते, क्या बात? कुत्ते बोले पंडित जी हमको हाथी से दिक्कत नहीं है। हमने कहा पर तुम्हें दिक्कत किससे? बोले हाथी के सामने ये जो हाथ जोड़कर खड़े रहते हमें इनसे दिक्कत है। मतलब आदमी को तुमसे दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पीछे ये जो सम्मान वाले जुड़े हैं उनसे दिक्कत है, और पूरी दुनिया में राम जी जैसा सम्मान किसी और का है नहीं, इसलिए कुछ लोगों को राम जी से दिक्कत है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए भैया हम तुमसे प्रार्थना करें, वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी तैर जाते हैं जिन पर वो मेहरबान होता है, है? बोलो सीताराम। इसीलिए भगवान को कहो मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा सुग्रीया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने तुमको दिया ना कुछ? बोलो ना। अच्छा दो आंखें तो दी, कान तो दिए भगवान ने। विचार करो, जिनके आंख नहीं है, जिनके कान नहीं है, भगवान ने तुम पर कितनी मेहरबानी नहीं की। हाँ जी या ना जी? रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी के समान दूसरा बड़भागी कोई भी नहीं है। क्यों? हनुमान जी में तीन विशेषताएं, हनुमान जी सदगुरु हैं, हनुमान जी वैद्य हैं, और हमारे हनुमान जी भगवान हैं। इसलिए तो चारों युग परिताप। हनुमान जी वैद्य भी है, सुसेन को उठा लाए। अच्छा देखो हनुमान जी कितने चमत्कारी हैं। इनसे कहा कि वैद्य को ले आओ, ये वैद्य का मकान ही उठा लिया। बताओ भाई हद हो गई, कोई वैद्य का मकान लाता है? हनुमान जी बोले डिस्पेंसरी पूरी ले चल। बोले क्यों? बोले बा वैद्य को ले गए, बाद में उसने कहा कि हमारी डिस्पेंसरी में तो इंजेक्शन वहीं रह गए, तो भर दिक्कत करेगा। रावण का राज्य है तो धन्य है हनुमान जी, कितने ज्ञानी है। हनुमान जी बोले वैद्य क्या, वैद्य का मकान सीधी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बेड सहित उठाया। बोले चलो जय श्री राम। जब वैद्य के दरवाजे खटखटाए, वैद्य बोला कौन है? हनुमान जी बोले हम हैं। वैद्य बाहर निकला, बोले आज हमारे सामने के रिश्तेदार कहाँ गए? हनुमान जी बोले वो तो वहीं है, बस तुम जा गए। वैद्य का दिमाग खराब, बोले हम घर में अपने सोए थे कि पड़ोसी के? हनुमान जी बोले हो तो तुम अपने ही घर में, बस मकान की जगह बदल गई। तो हनुमान जी वैद्य भी है, हनुमान जी सदगुरु भी है, और हनुमान जी भगवान भी है। इसीलिए हनुमान जी ने पकड़ा क्या, भगवान से भगवान को मांगा। क्या मांगा? एक बात बोले, जितने ये लड़के यहां खड़े हैं तुम गांठ बांध लो, भगवान से भगवान को मांग लो। अगर शादी हो गई ना तो टीवी का चैनल नहीं बदल पाओगे। एक व्यक्ति हमें मिला, बोले गुरुजी शादी कर रहे हैं और हमको देश बदलना है। हमने कहा पहले बदल लो, बाद में तो टीवी चैनल नहीं बदल पाओगे। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। विनोद की बात है, लेकिन हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, मेरे पागलो, भगवान से मांगना अगर कुछ पड़े तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। अच्छा सदगुरु का तीसरा काम क्या है? तीसरा काम भी सुनो, सदगुरु का जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई। तीसरा काम क्या है? सदगुरु दृष्टि देता है। कौन सी दृष्टि? हनुमान जी यानी गुरु। गुरु कौन सी दृष्टि देता? भगवान को देखने की। तो क्या अभी भगवान नहीं दिखाई देते? सुना, जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक भगवान में पत्थर दिखाई देता है, और जब सदगुरु कृपा हो जाती है तो फिर पत्थर में भगवान दिखाई देता है। जब तक गुरु कृपा नहीं तो भगवान में पत्थर दिखाई देता है, और जब गुरु कृपा हो जाती है तो पत्थर में भी भगवान। इसलिए हमारा भारत कणकण में कंकर में शंकर है, यहां कंकर कंकर में शंकर है। इसलिए मेरे पागलो, हनुमान कथा का सार यही है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को गुरु रूप में मानना चाहिए, हनुमान चालीसा का हवन करना चाहिए, अपने घर के बाहर एक झंडा लगाना चाहिए। रोज हम तो यही कहेंगे, दूसरे मजहब वाले जब रोड पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो तुम अपने बगल के मंदिरों में जाकर क्यों नहीं पढ़ सकते हो? दूसरे मजहब वाले रोड पर पढ़ सकते हैं, अब समझ जाओ पवित्र मुंह से बताएंगे नहीं क्या पढ़ सकते हैं। दूसरे मजहब वाले जब रोडों पर बैठकर पढ़ सकते हैं तो भारतीय सनातनी हिंदुओं, आप
जब अपने घर के बगल में जो भी मंदिर हो, शाम के समय वहां पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय Let's go.
Thank you.
Thank you.